नमस्ते बच्चों। बच्चों, तुम अपने से दूर गांव और शहर में रहने वाले दोस्तों एवं रिश्तेदारों से कैसे बात करते हो और किसी घटना की सूचना या जानकारी उन तक पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाओगे? बताओ तो जरा, किस माध्यम से पहुंचाओगे उन तक अपनी बात? हाँ, बहुत बढ़िया, मोबाइल से और चिट्ठी लिखकर। और कैसे पहुंचाओगे? खुद जाकर या किसी को भेजकर, आदि बहुत सारे माध्यम हैं जिससे हम अपनी सूचना या जानकारी हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों, इन सबको ही संचार का साधन कहते हैं। ये हमारे बीच की दूरियों को कम कर दिया है। तो आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 25, घटती दूरियां। आप सब भी मेरे साथ अपने पुस्तक को निकाल लीजिएगा, ठीक है? सोमू और देवू बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन सोमू स्कूल नहीं आया। देखिए चित्र में, देखिए दोनों की दोस्ती है ना। हाँ, आगे देखते हैं। पर उसी दिन गुरुजी ने कक्षा में बताया कि कल पिकनिक जाएंगे। शाम को घर जाने से पहले देवू सोमू के घर गया और उसे पिकनिक जाने की सूचना दी। आप सब भी पिकनिक जाते हो ना? हाँ, बहुत अच्छे। अगले दिन गुरुजी ने सोमू से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि आज पिकनिक जाएंगे। तब उसने बताया कि देवू ने कल शाम को ही उसके घर आकर बता दिया था। बच्चों, तुम अपने दोस्तों को किन किन तरीकों से सूचना पहुंचाते हो, बताओ तो जरा। हाँ, हम अपने दोस्तों को सूचना निम्न तरीकों से पहुंचाते हैं। पहला, स्वयं दोस्त के घर पहुंचकर पहुंचाएंगे। दूसरा, दूसरे के माध्यम से, टेलीफोन से भी और मोबाइल से, चित्र में भी आप देखते जाइए, और फैक्स मशीन से। बहुत अच्छे। तुम्हारे कुछ दोस्त एवं रिश्तेदार तुम्हारे गांव में और कुछ आसपास के गांव में, तो कुछ शहर में रहते होंगे। अपनी बहन की शादी की सूचना तुम उन तक कैसे पहुंचाओगे? तुम्हारे घर में बहन की शादी हो रही है, उसकी सूचना कैसे पहुंचाओगे? गांव में रहने वालों को सूचना कैसे पहुंचाओगे, जो गांव में रहते हैं उनको? हाँ, गांव में रहने वालों को हम स्वयं घर जाकर और दूसरे के माध्यम से संदेश भेजकर पहुंचाएंगे। अच्छा बच्चों, शहर में रहने वालों को सूचना कैसे पहुंचाओगे? किन किन माध्यम से हम उन तक सूचना पहुंचाएंगे, बताओ तो जरा, सोचो। बहुत बढ़िया, डाक के माध्यम से और पोस्ट कार्ड। देखिए पोस्ट कार्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट कार्ड चिट्ठी लिखने का काम आता है ना। हाँ, और लिफाफा, लिफाफे में भी हम चिट्ठी लिख कर अंदर डालते हैं। और अंतरदेशी पत्र, आप देखिए यहाँ पर एक नीले रंग का अंतरदेशी पत्र है, यह भी चिट्ठी लिखने, संदेश लिखने और सूचना लिखने का काम आता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं और कौन से माध्यम है। बच्चों यहाँ पर देखिए चित्र, कौन सा चित्र दिख रहा है नीचे? बहुत बढ़िया, मोबाइल का चित्र है। सबके घर मोबाइल है ना। हाँ, अब मोबाइल से फोन करके हम सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं, है कि नहीं है? बहुत अच्छे। बच्चों, तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लोगों को सूचनाएं भेजने के लिए इन्हीं सब साधनों का उपयोग करते होंगे। अब आगे देखते हैं, दूसरी जगह से मिलने वाली सूचनाएं हम कुछ लोगों की मदद के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। इनमें से एक है डाकिया। अपने गांव में आने वाले डाकिया से इन बातों की जानकारी प्राप्त करो। देखिए आपको चित्र में डाकिया दिख रहा है ना। पहले वाला डाकिया खाकी रंग का वर्दी पहना हुआ है और उसने अपना एक थैला भी लटकाया हुआ है और साइकिल लेके भी जा रहा है और हाथ में उसके पास बहुत सारी डाक सामग्री भी है ना। और बच्चों, अब देखिए एक दूसरा डाकिया नीले रंग का वर्दी पहना हुआ है, तो अब पोस्टमैन का या डाकिया का जो वर्दी का कलर है बदल गया है।
ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपके गांव में जो डाकिया आता है उसका नाम क्या है आपको पता करना है। मैं मेरे यहाँ गांव में जो डाकिया आता है उसका यहाँ पर नाम लिख दिया है, रामलाल। अब दूसरा क्या करना है आपको, वह डाक बांटने किस सवारी से आता है। मैंने यहाँ पर लिखा है साइकिल से, क्योंकि मेरे यहाँ डाकिया साइकिल से आता है। आपके यहाँ भी डाकिया साइकिल से आता होगा, हो सकता है मोटरसाइकिल से भी आता होगा, है ना। तो उसके बाद और क्या जानकारी एकत्र करना है आपको, उसके कपड़ों का रंग कैसा है। अभी हमने चित्र में देखा ना, डाकिया ने खाकी रंग या नीले रंग का वर्दी पहना हुआ है ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, उसके थैले में क्या क्या सामग्री होती है। उसके थैले में डाक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतर्देशी पत्र, तार, टेलीफोन बिल, मनी ऑर्डर आदि सामग्री होती है। अब उसके बाद देखिए, वह इन सामग्री का क्या करता है। वह इन सामग्री को उन पर लिखे पते अनुसार घर घर जाकर स्कूल कॉलेजों या सरकारी भवनों में समय पर पहुंचाता है, अर्थात सूचना देता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। प्रभा पचेड़ा गांव में रहती है। उसे अपने बड़े भाई की शादी की सूचना रायपुर में रहने वाली अपनी मौसी को देनी है। अब नीचे दिए गए चित्र को देखकर अनुमान लगाओ कि पचेड़ा गांव से चिट्ठी रायपुर किस क्रम में पहुंची होगी। देखिए आपको चित्र दिख रहा है, अलग अलग चित्र है, अब इसका क्रम बताना है हमें। तो चलिए अपन देखते हैं, सबसे पहले प्रभा ने क्या किया। देखो एक नंबर में दिया है एक नंबर, और प्रभा चिट्ठी लिख रही, तो सबसे पहले प्रभा क्या करेगी, चिट्ठी लिखेगी, है ना। अब दूसरे क्रम में क्या करेगी, चिट्ठी लिख के वह किस में डालेगी, पोस्ट बॉक्स में डालेगी। अब उसके बाद क्या होगा, वह चिट्ठी कहाँ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा। देखिए तीसरे नंबर में हमने मिलान करके रखा हुआ यहाँ पे। और उसके बाद चौथे नंबर का क्रम क्या होगा कि वह चिट्ठी गाड़ी में भर के रायपुर के लिए निकल जाएगी, ठीक है। फिर रायपुर आने के बाद पांचवा क्रम क्या हो जाएगा उसका, फिर से पोस्ट ऑफिस में आएगा। पोस्ट ऑफिस के बाद वहाँ डाकिया अपने अपने क्षेत्र के अनुसार सारी चिट्ठियों को छांटेंगे, फिर उसकी मौसी का चिट्ठी निकालकर उसकी मौसी को देने के लिए जाएगा। इस प्रकार से ये पत्र की यात्रा है, देखो कहाँ से निकला और कहाँ पहुँच गया, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, चिट्ठी लिखने के लिए प्रभा ने पोस्ट कार्ड कहाँ से खरीदा होगा, सोचो तो जरा कहाँ से खरीदा होगा। बहुत बढ़िया, डाकघर, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस से खरीदा होगा। अब आपके लिए एक तालिका दिया हुआ है बच्चों कि डाकघर जाकर नीचे लिखी वस्तुओं का उपयोग एवं मूल्य पता कर लिखना है। मैंने यहाँ पर देखिए एक तालिका दिया हुआ है जिसमें पहले खंड में है क्रमांक, दूसरे खंड में है वस्तु का नाम, तीसरे खंड में है मूल्य, चौथे खंड में है उपयोग, ठीक है बच्चों। जैसे वस्तु का नाम हमने लिखा पोस्ट कार्ड, उसका मूल्य कितना है, हमने उसका मूल्य लिखा है 50 पैसे, क्योंकि पोस्ट कार्ड 50 पैसे में मिलता है। और उसका क्या उपयोग है, तो पोस्ट कार्ड का उपयोग लोगों को संदेश देने हेतु उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार दूसरा देखिए, लिफाफा, लिफाफा भी आपको 5 रुपये में मिलता है। लिफाफा का मूल्य कितना है, 5 रुपये। और वह किस काम आता लिफाफा, पत्र हेतु, ऑफिस कार्य हेतु। ऑफिस में भी बहुत सारी जानकारियां होती है, उसे लिखकर बनाकर लिफाफे में भरकर भेजते हैं, और हम कुछ पत्र लिख के भी लिफाफे में भरकर भेजते हैं, यह इसका उपयोग होता है। और उसके बाद अगला वस्तु का नाम में देखिए, तीसरा अंतर्देशी पत्र, यह 2.5 रुपये में भी मिलता है, कभी कभी 20 पैसे 25 पैसे मूल्य बढ़ते रहते हैं, ठीक है बच्चों। और अंतर्देशी पत्र का भी काम पत्र लिखने के लिए ही होता है। और उसके बाद है टिकट, एक
टिकट छोटा छोटा सा, वह टिकट का मूल्य 1 रुपए का भी टिकट मिलता है, 2 रुपए का भी, 5 रुपए का भी और 10 रुपए मूल्य का भी टिकट होता है। और इस टिकट को हम क्या करते हैं, इसका क्या उपयोग होता है, जो लिफाफे होते हैं उस लिफाफे के ऊपर हम टिकट लगा कर भेजते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के बहुत से साधन हो सकते हैं। जैसे पोस्ट कार्ड, देखिए आपको चित्र में पोस्ट कार्ड दिख रहा है, एक पीले रंग का कार्ड है, और टेलीफोन और मोबाइल आप चित्र देख सकते हैं, उसके बाद फैक्स मशीन, और ये नीचे वाला क्या है भाई, पहचान के बताइए, बहुत अच्छे, रेडियो। रेडियो में गाना सुनते हो सब ना, हाँ। और देखिए सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है आपको चित्र में, देख के बताइए, टेलीविजन, बहुत अच्छे। और उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है आपको चित्र में, बहुत सारे अखबार के, समाचार पत्र के नाम हैं। तो ये सब संचार के साधन हैं, इनके माध्यम से हम सूचना जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे आपके लिए एक और जानकारी है गतिविधि करने का, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करो और पता करके लिखो कि उन्हें इन साधनों से कौन सी सूचनाएं या जानकारियां मिलती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, फिर भी आप अपने पुस्तक से भी देख सकते हैं और उसमें लिखने का भी काम आपको करना है। देखिए पहले खंड में है क्रमांक, दूसरे खंड में है संचार के साधन, तीसरे खंड में है सूचनाएं। तो संचार के साधन हमने क्या देखा अभी, सबसे पहले पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड में हम क्या करते हैं, संदेश भेजने का काम करते हैं, और टेलीफोन से क्या करते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों से वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप यानी बातचीत करते हैं, संदेश प्राप्त करना एवं संदेश देना। उसके बाद देखिए तीसरे में क्या दिया हुआ है, रेडियो। तो रेडियो का क्या है, क्या उपयोग है, क्या जानकारी मिलती है इससे हमें, समाचार की जानकारी मिलती है। समाचार सुनते हैं ना सभी, आप सबके घर में भी दादा लोग, पिताजी लोग समाचार सुनते होंगे रेडियो में, हाँ। तो समाचार और विश्व की खबरें और गीत संगीत भी सुनने का काम हम रेडियो से करते हैं। उसके बाद चौथे में देखिए टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में देश विदेश की खबरें, आंखों देखा हालचाल, मनोरंजक कार्यक्रम, फिल्म गीत गाने, फिल्म गीत गाने यह सब तो हर कोई देखता होगा, है कि नहीं, देखते हो बच्चे लोग कार्टून कार्यक्रम देखते हैं टीवी में, हाँ बहुत अच्छे। उसके बाद है समाचार पत्र, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, अखबार, उसमें क्या मिलता है हमको सूचना जानकारी, देश विदेश की घटनाएं, खेलकूद, सामान्य ज्ञान, राजनीतिक विषय, बहुत सारी बातों की सूचना एवं जानकारी हमें मिलती है। तो बच्चों संदेश पहुंचाने के ये सभी साधन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इनसे हमें घर बैठे ही अपने गांव, शहर, देश और विदेश की महत्वपूर्ण जानकारियां और सूचनाएं मिल जाती हैं। बच्चों इस पाठ में हमने सीखा संचार के विभिन्न साधनों को जाना, संचार के विभिन्न साधनों के महत्व एवं उपयोग को समझा, डाकघर के कार्यप्रणाली को जाना, डाकघर में मिलने वाली सामग्रियों एवं उनका उपयोग को जाना। उसके बाद बच्चों इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य हैं, चलिए उन्हें भी करते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अभ्यास कार्य, पहला, तुम्हारे घर एवं पड़ोस में साला में कौन सा समाचार पत्र आता है, चलिए नाम बताइए, तो कौन से समाचार पत्र आते हैं आसपास, आपने समाचार पत्रों का नाम बताइए, आपने कौन से समाचार पत्र देखे हैं। हाँ हमारे आसपास देशबंधु, दैनिक भास्कर, नवभारत, नई दुनिया आदि समाचार पत्र आते हैं। अब दूसरा अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए डाकघर में क्या क्या सामग्री मिलती है। डाकघर में पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी पत्र, रजिस्ट्री, तार आदि सामग्री मिलती है।
अब अगला अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है संचार के साधन किसे कहते हैं, बताइए। तो अभी हमने पढ़ा ना संचार के साधन किसे कहते हैं। हाँ, वे साधन जिनसे हमें संदेश प्राप्त होते हैं या जिनसे हम अपना संदेश भेज सकते हैं, संचार के साधन कहलाते हैं। अगला अभ्यास कार्य है दूरदर्शन से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है दूरदर्शन से हमें? देश विदेश के ताजा खबरें एवं समाचार सुनने को मिलते हैं, और यह हमारा मनोरंजन, गीत, संगीत, नाटक एवं सीरियल के माध्यम से करता है। आप सब भी देखते हैं ना दूरदर्शन पे। हाँ, उसके बाद देश विदेश में चल रहे खेलकूद को हम देख सकते हैं टीवी में, और दूरदर्शन से हमें वैज्ञानिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए कुछ गृह कार्य है जिसको अपने अभ्यास कापी में आपको करना है। पहला गृह कार्य है पुराने अखबार एवं पत्रिकाओं से संचार के साधनों के चित्र को काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। इसके लिए आप अपने घर में बड़ों की सहयोग ले सकते हैं, बड़े भाई बहनों की भी सहयोग ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा गृह कार्य है आपके लिए पुराने समय में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के लिए किन साधनों का उपयोग होता था, बड़ों से पता करो। ठीक है बच्चों, कि पहले संदेश भेजने के लिए, सूचना को देने के लिए एक किस साधन का उपयोग करते थे, आप अपने दादा दादी, नाना नानी या पिताजी से पूछकर आप इसका उत्तर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।